तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया कि भैया मैं नेपाल से हूँ, क्या आप हमको को ऐसा एप्लीकेशन दे सकते हो जो नेपाल के लिए गूगल प्ले का गिफ्ट कार्ड देता है। तो भाई ये जो कमेंट पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हाँ यार सच में ऐसा ना, ऐसे तो होता होगा कि मेरे वीडियो को जो है बाकी इंडिया से ही थोड़ी ना देखते हैं, बहुत सारी जगहों से मेरे वीडियो को देखते होंगे। तो उन लोगों को कहीं कहीं पर होता है कि ओनली फॉर इंडियन यूजर के लिए होता है, जितना भी एप्लीकेशन होते हैं इंडिया के वो बोलते हैं कि ओनली फॉर हम इंडिया में ही गूगल प्ले प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो नेपाल हो गया और भी इस तरह से पाकिस्तान हो गया इस तरह का, भाई उन लोगों को तो गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड नहीं ना मिलता है। और वीडियो को नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान इस तरह सभी जगहों से देखा जाता है, तो भाई उन लोगों को गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड नहीं मिल पाता। तो मैं आप लोगों के कहने पर, जैसे कि मान के चलो आप लोग यहां पर गौर से देखो, ये जो मैप है, ये मैप है इंडिया का, इसमें आप लोग यहां पर नेपाल तो भी शायद अलग होने वाला है, अलग हो गया है इसमें, भाई यहां पर नेपाल का गिनती छोड़ो, यहां पर देखो नेपाल को यहां से हटाते हैं और इंडिया में जितने भी यूजर हैं उन लोगों को तो रेडमी कोड मिलता है, बट बहुत सारे बाहर बाहर के देश, जैसे नेपाल, पाकिस्तान, ये सब के देश है ना, यहां पर देखो जितने भी इन सभी देशों हैं, तो उन लोगों को भाई आपको उन सबको रेडीम कोड नहीं मिल पाता है। तो मैं चाहता हूं कि आज जो एप्लीकेशन दू वो पूरे वर्ल्ड में, जहां भी आप वर्ल्ड पर कहीं भी हो भाई, वर्ल्ड में ये वर्ल्ड का मैप है, तो वर्ल्ड में आप कहीं पर भी हो, चाहे वो रशिया में, चाहे वो ग्रीनलैंड में, चाइना में, ब्राजील में, जहां पर भी हो, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, जहां भी हो, आप सबको मिलेगा फ्री में गूगल प्ले का गिफ्ट कार्ड। भाई किसी भी कंट्री से आप क्यों ना हो, आप सभी लोगों को मिलेगा फ्री में गूगल प्ले का गिफ्ट कार्ड। बस आज के इस वीडियो को देखना पड़ेगा, क्योंकि आज जो एप्लीकेशन आपको देने वाला हूं ये वर्ल्ड वाइड पेमेंट प्रोवाइडर एप्लीकेशन है, जो आपको देता भाई फ्री में गूगल प्ले का गिफ्ट कार्ड, और मुझे भी दिया था भाई गूगल प्ले का गिफ्ट कार्ड। आप लोग यहां पर गौर से देख सकते होंगे, ये जो गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड दिया हुआ था यही एप्लीकेशन की तरफ से मुझे रिसीव हुआ था, और मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा प्रोसेस पूरा, लाइव करके दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से करके ये पेमेंट लिया था इस एप्लीकेशन की मदद से, और कैसे कैसे मुझे वर्ल्ड वाइड पेमेंट यहां पर से मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बताते हैं कि आज के इस वीडियो में आप लोग कैसे गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड की अर्निंग कर सकते हो, चाहे आप किसी भी देश में क्यों ना हो। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए। आप सब लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये बात तो जानना होगा कि भाई हम लोग जो जितने भी गूगल प्ले का गिफ्ट कार्ड की अर्निंग करते हैं, भाई उस तरह का जो आप लोग अर्निंग करना चाहते हो, मतलब हम जितने तरह गिफ्ट कार्ड की अर्निंग कर लेते हैं उतना तो सारा आप लोग भी गिफ्ट कार्ड की अर्निंग करना चाहते हो। अगर मैं अपने मेल बॉक्स को अगर आपको दिखा दूं, मेरा अगर मेल बॉक्स में देखोगे तो भाई आप लोग डर जाओगे यार, मतलब इतना ज्यादा गजब, मतलब यहां पर देखो कितने सारे मुझे मेल आए, ये सब गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड के भाई, हर एक मेल में जितने भी मेरे मेल आए हुए इन सभी चीजों में भाई एक एक गूगल प्ले का गिफ्ट कार्ड आपको देखने मिलता है। यहां पर आपको जितना भी मेरा ईमेल आईडी यहां पर आया, इतना सारे ईमेल आईडी में सबका सब में भाई यहां पर मुझे गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड, Amazon का गिफ्ट कार्ड, सब में एक एक चीज में भाई Amazon, गूगल प्ले, यही सब आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा तो कुछ देखने को मिलेगा ही नहीं, जितना भी बात बता दे भाई उस सभी में आपको गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड जितना भी तरह का, तो इतना सारा मैं गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड अर्निंग करता हूं। ठीक है, अब ये इस तरह का गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड अगर आप लोग को भी अर्निंग करना चाहते हो, जिस तरह से मैं गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड की अर्निंग किया, अगर इस तरह से करके आप लोग भी गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड की अर्निंग करना चाहते हो, तो भाई आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक ऐसी जबरदस्त एप्लीकेशन बताने वाला हूं जिसमें से आप लोग ढेर सारा गूगल प्ले का गिफ्ट कार्ड अर्निंग करने वाले हो। तो चलिए फटाफट से आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हो सके इस एप्लीकेशन आप लोग पहले से जानते हो, बट इसी एप्लीकेशन में मैं आप लोगों को 3 से 4 तरीके का नया नया मेथड बताने वाला हूं, जिससे आप लोगों को अर्निंग डबल हो जाएगी। प्लस इस एप्लीकेशन में बहुत सारे अपडेट आने के बाद में बहुत सारे अलग अलग चेंजेस हुए हैं, जिसके मतलब से एप्लीकेशन में और भी ज्यादा अर्निंग आसान हो चुका है और अब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अर्निंग कर सकोगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो का स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आज के एप्लीकेशन के बारे में। इनकेस अगर एप्लीकेशन को, इस एप्लीकेशन को आप जानते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं भाई, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, मैं आप लोगों को इस एप्लीकेशन में बहुत कुछ अलग अलग तरीके का बताने वाला हूं, जो कि आप लोग अर्निंग करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अर्निंग हो सकेगा। और मैं इसमें से टास्क कंप्लीट करने का एक ट्रिक भी देने वाला हूं, ट्रिक को अप्लाई करते के साथ में आप लोगों का इंस्टेंट कंप्लीट भी होने लगेगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना भाई, स्किप करने की कोशिश कर रहे हो तो मत करो यार, थोड़ा सा टाइम निकाल के देख लो। बोल रहा है कि सेव टोन ऑफ द टाइम, मतलब आप टाइम को बचत करके भाई पैसा कमा सकते हो। मेक वे फॉर मनी से करके बोलो, आपको यहां पर बोलो, हर काम करने बाद इसमें आपको कुछ ना कुछ पैसे मिलेंगे। अगर आपको इंजॉय द एक्सपीरियंस, अगर इसका अच्छा खासा एक्सपीरियंस को इंजॉय करना है, इसके लिए आप ना कुछ परमिशन मिलेगा, उसको जरूर से जरूर दे देना। उसके बाद एप्लीकेशन को जैसे आप ओपन कीजिएगा, आपका सामने कुछ इस तरह से करके इंटरफेस खुल करके आ गया। ये बोल रहा है कि अगर इस एप्लीकेशन को यूज करोगे तो आपके मोबाइल की मदद से इतने सारे पैसे जमा हो जाएंगे, जो कि आप लोग यहां पर देखो अपना मोबाइल से आप पैसे कमा सकते हो, बस आप लोग इस एप्लीकेशन में थोड़ा मोड़ा काम को करना होता है। चलिए मैं फटाफट से इसमें आपको साइन अप करने का प्रोसेस बोलेगा कि आपको गूगल अकाउंट की मदद से साइन अप करना, साइन इन विद गूगल का ऑप्शन पर क्लिक करके अपने गूगल अकाउंट की मदद से साइन अप कर लीजिएगा। तो चलो मैं क्या करता हूं, इस जीमेल आईडी की मदद से यानी गूगल अकाउंट की मदद से इस पर क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद अपने फोन से डायरेक्टली मैं एप्लीकेशन के अंदर में साइन अप कर लेता हूं। जैसे मान के चलो मेरे ईमेल आईडी के अंदर से डायरेक्टली साइन अप किया, तो बोलेगा आपका ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली पहले से साइन अप था फोन में, इसी के लिए आपका साइन अप यहां पर कंप्लीट हो चुका है। और अभी मेरे पास अगर आप देख सकोगे भाई 11,225 कॉइन पड़े हुए हैं, जिसे मैं आपके आंखों के सामने लाइव
कार्ड विड्रॉ करके दिखाने वाला हूँ। इसका जो विड्रॉ वाला ये आपको इंस्टेंट मिलता है। अगर आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से, नेपाल, जहां से भी हो भाई, कहीं से भी हो, बट आपको ये पेमेंट करेगा ही करेगा, क्योंकि जो इसका पेमेंट मोड है वो इंटरनेशनल लेवल का है। मतलब आप इंटरनेशनल मतलब नेशनल से बाहर भी हो, मतलब आप अमेरिका का भी क्यों ना हो, आपको पेमेंट मिलेगा इस एप्लीकेशन से, क्योंकि जो इसका पेमेंट मोड है वो इंटरनेशनल लेवल तक है। जैसे आप लोग यहाँ पर गौर से देख सकते हो, इसका मान के चलो यहाँ पर गूगल पे गिफ्ट कार्ड है, तो इसमें भी आपको यहाँ पर बोलेगा कि ये इंटरनेशनल पेमेंट है, मतलब इंटरनेशनल पेमेंट ये प्रोवाइड करता है, तो आप लोग भाई उसके लिए टेंशन नहीं लेना। अगर बात करें गूगल पे का गिफ्ट कार्ड का, यहाँ पर मैं विड्रॉ करके दिखा, तो बोला कि पहले बोनस कंप्लीट करें, जो आपको मैं कंप्लीट करके दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। तो चलिए ना, आप ऐसा करते हैं ना कि इसमें शुरू से ही आपको पूरा अच्छे तरीके से बताते हैं। होम पेज पर आते हैं, यहाँ पर पहले टास्क ऑफर मिलेगा, टास्क ऑफर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भाई इससे पहला काम यह है कि आपको यहाँ पर टास्क का एक ऑप्शन मिलेगा, टास्क का पेज, इस टास्क पेज पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आने के बाद बोलेगा क्लिक करके आपको यहाँ पर डेली चेक इन वाला ऑप्शन को कंप्लीट कीजिए। मेरे पास अभी देखो भाई 225 पॉइंट आपको लास्ट में देखने मिलते हैं, यहाँ पर देखो इस पर क्लिक किया, यहाँ पर बोल देखो आपको बोल रहा है कि अर्न 50 कॉइन इंस्टेंटली इन योर कैश जी वॉलेट, ऐसा करके बोल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, इसमें 50 कॉइन मुझे लेना है, इसके लिए मुझे एक इंस्टॉलेशन टास्क दिया गया है, तो आपको यहाँ पर इंस्टॉलेशन टास्क को कंप्लीट करना है। गेट रिवार्ड ऑप्शन पर क्लिक करना है, एक ऐड आ गया, अब इस ऐड को 3 सेकंड तक देखना है, 3 से 5 सेकंड तक ऐड को वॉच करना है, उसके बाद आपको इंस्टॉल वाला ऑप्शन पर क्लिक करके फिर ऐड पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। प्ले स्टोर से जैसे ही एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, तो भाई ये प्ले स्टोर वेरीफाइड एप्लीकेशन है, तो इंस्टॉल होने के बाद में इसको ओपन करके 30 सेकंड तक के लिए अपने फोन में रखना है, ओपन करना है और 30 सेकंड तक के लिए छोड़ देना है। चलाना है तो चला सकते हैं एप्लीकेशन को, लेकिन 30 सेकंड तक आपको इसको यूज करना कंपलसरी है भाई। अगर 30 सेकंड तक आप यूज नहीं करोगे तो आपका टास्क वेरीफाई नहीं होगा, पॉइंट रिसीव नहीं होगा, तो भाई 30 सेकंड तक इसको यूज करना कंपलसरी है। तो यहां पर चलो मैं क्या करता हूं, फटाफट से 30 सेकंड तक इसमें वेट कर लेता हूं, 30 सेकंड तक यहां पर मैं यूज करता हूं इस एप्लीकेशन को, ठीक है। 30 सेकंड तक मात्र मुझे 30 सेकंड तक यूज करना एप्लीकेशन को, तो चलो मैं थोड़ा देर 30 सेकंड तक वेट कर लेता हूं। जैसे आप 1 मिनट तक वेट करके बाहर आइएगा इस एप्लीकेशन में, तो दोबारा से आपको बोलेगा जो टास्क है वो टास्क आपका कंप्लीट हो चुका है, टोटल आपको 50 को यहां पर रिसीव हो चुका है, इस तरह से करके आपको यहां पर डायरेक्टली आपको बता देगा। फिर आपको करना कुछ भी नहीं, कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक करके आपके ये टास्क को अपना वॉलेट के अंदर में ऐड कर देना है, जो भी आपको कॉइन रहेगा वो कॉइन आपके वॉलेट के अंदर में ऐड हो जाएंगे। फिर टास्क ऑफर पर जाना है, यहां पर एक ऑप्शन और मिलता है कि आप इनवाइट करके अर्निंग कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को यहां पर बोल रहा है कि पर रेफर पर आपको 500 कॉइन दिया जाता है, और ये 500 कब कब मिलता है, बोल रहा है कि व्हेन योर फ्रेंड रजिस्टर इन ऐप यू अर्न 200 कॉइन आपका लिंक से, मान के चलो जो जो लोग डाउनलोड किया एप्लीकेशन का, उसका मतलब जैसे आपका दोस्त इस एप्लीकेशन में साइन अप करेगा आपको 200 कॉइन मिल जाएगा तुरंत में। फिर बोल रहा है कि प्लस यू विल गेट 300 कॉइन एक्स्ट्रा व्हेन योर फ्रेंड अर्न फर्स्ट कॉइन, जैसे ही आपका दोस्त इसमें से कोई भी चीज करके टास्क उस कंप्लीट करके जैसे ही कुछ पॉइंट की अर्निंग करता है उसके बाद में, या फिर एक कॉइन का भी क्यों ना अर्निंग करे, उसके तुरंत बाद आपको 300 कॉइन और आपको रिसीव हो जाएंगे। इस तरह से कर करके आप लोग ढेर सारा करके रेफर करके अर्निंग कर सकते हो। अगर मैं अपना अर्निंग की बात करूं तो यहां पर मेरा अर्निंग में देखो कितने सारे लोग कहां कहां से कितना कितना ज्वाइन हुआ, देखो 200 करके कितना सारा मुझे रेफर का पॉइंट रिसीव हुआ है, पर रेफर पर 200 पॉइंट करके बहुत सारे यहां पर मैं रेफर करके अर्निंग किया, डेली बोनस के यहां पर पॉइंट की मैं अर्निंग किया था, ये वाला भी दिखा रहा है, ठीक है। अभी मैं इसमें से बाहर निकलता, बोल रहा है एक प्ले टाइम गेम का, तो प्ले टाइम गेम का फीचर यहां भी मिलता है, यहां पर भी मिलता है, तो इस पर भी क्लिक करेंगे तो आपको परमिशन मांगेगा एक्सेस करने के लिए, एक्सेस का परमिशन दे देना। उसके बाद आपको यहां पर बहुत सारे टास्क ऑफर मिलते हैं, मान के चलो ये वाला टास्क ऑफर को कंप्लीट करना, मतलब गेम को खेलना, मतलब गेम को खेलने के बदले में आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। इस गेम को खेलना है और गेम को खेलने के बदले में आपको पैसे मिलेंगे, समझ रहे बात को, गेम खेलने के बदले पैसे मिलेंगे, लेकिन आपको गेम खेलना कैसा ये भी आपको समझ लेना, पहले गेम खेलने का भी एक रूल होता है इसका, उसके अनुसार पहले तो आपको ये वाला गेम को यहां से आकर के इंस्टॉल कर लेना है। अब इंस्टॉल करने के बाद में इसमें से एक बार बैक आना, बैक आने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें यहां पर रिफ्रेश करना, रिफ्रेश करने के बाद फिर से इसी पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर जाना, यहां पर जाकर आपको गेम को प्ले करना है, मतलब एक बार बैक आकर फिर से यहां से जाना है और एप्लीकेशन का मतलब से जाकर वहीं से जाकर गेम को प्ले करना, ठीक है। आप गेम को प्ले करोगे, इस तरह से करके गेम प्ले करोगे तभी जाकर आपको पॉइंट रिसीव हो पाएगा, अगर आप गेम को प्ले नहीं करते तो आपको पॉइंट रिसीव नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो आपको यहां पर ढेर सारा पैसा कमाना है, भाई इसमें गेम को प्ले करके भी ढेर सारा पैसा कमा सकते हो, इसमें गेम प्ले का भी फीचर दिया गया है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा गेम को प्ले करोगे ज्यादा से ज्यादा पॉइंट की अर्निंग होगी। यहां पर आप लोग गौर से देख सकते होंगे, इस जगह से आप लोग भाई देखो कितना सारा यहां पर गेम यहां पर मान के चलिए, कितना इस तरह से करके गेम को प्ले करना, ये सिखाएगा भी कि आपको गेम को खेलना कैसे है। अब यहां पर इस तरह से करके यहां पर देखो इस कलर बॉक्स को भरना होता है, और जो कि मैं अच्छे तरीके से यहां पर फिल कर दे रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर गौर से देखो मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, गेम को प्ले करता हूं, इसमें है आप लोग जितना मिनट तक गेम प्ले करोगे उतना ज्यादा आपको पॉइंट रिसीव होगा, जितना मिनट गेम प्ले करना है उतना ज्यादा पॉइंट रिसीव होगा, अगर आप ज्यादा से ज्यादा गेम प्ले करोगे तो ज्यादा पॉइंट रिसीव होगा, अगर आप कम गेम प्ले करोगे तो आपको कम पॉइंट रिसीव होगा। इस तरह से करके देखो मैं कलर मिक्स वाला जो था ये कलर को यहां पर अच्छे तरीके से यहां पर गेम खेल लिया हूं ये वाला, और भाई इसको ना थोड़ा देर तक गेम को प्ले करना पड़ेगा, ऊपर से आपका नोटिफिकेशन आता रहेगा आप इतना देर तक गेम प्ले किया तो इतना आपको पॉइंट रिसीव हुआ है। तो इस तरह से करके आप लोग गेम को प्ले कर सकते हो, अगर मैं तो वीडियो भी बना रहा हूं इसी कलर मैंने तो आपको यहां पर 5 से 6 मिनट तक गेम को प्ले करके दिखाता, और आपको बैक आना बाद एप्लीकेशन के अंदर में आना, मैप का ऑप्शन पर भी आपको दिखा देगा कि आप इस एप्लीकेशन में कितना 3 कॉइन की अर्निंग कर सकते हो नेक्स्ट लेवल पे। जैसे एक लेवल कंप्लीट करोगे ना उसके बाद 3 कॉइन की अर्निंग होगा, प्लेन ऐसा करके बोला कि आप लोग एक लेवल कंप्लीट खेलो उसके बाद 3 पॉइंट यहां पर रिसीव होगा। इस पर आपको सब कुछ कॉइन हिस्ट्री नहीं देखते हैं, देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में
आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है होम पेज का, तो होम पेज पर क्लिक करना। होम पेज पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे टास्क ऑफर मिलेंगे जिसे इंस्टॉल करना बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन इसको करने से पहले थोड़ा सा काम करना पड़ता है। वो काम यह है, आप देखो यहाँ पर गेम जो खेल रहा था, ये गेम को मैं भी यहाँ पर से हटा भी सकता, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप लोगों को दिखाने के लिए हटा दिया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर जाना अपना सेटिंग पे, सेटिंग पर जाने के बाद इस जगह पर आपके लिए ट्रिक लगाना, ट्रिक लगाने के बाद में ही काम होगा। आपको सबसे पहले सेटिंग में जाकर गूगल को खोजना, गूगल वाला ऑप्शन, गूगल ऑप्शन पर खोज लेने के बाद में यहाँ पर आपको आना है इस जगह पर, बोले यहाँ पर एड्स सर्विस एंड द सर्विस ऑन दिस डिवाइस वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना, एड्स का ऑप्शन पर क्लिक करना। यहाँ पर रीसेट एडवर्टाइजर आईडी का ऑप्शन दिखने को मिलेगा, रीसेट एडवर्टाइजर आईडी का ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस अपना एडवर्टाइजर आईडी को रीसेट कर देना। मैं नहीं करूंगा क्योंकि भाई मेरा बहुत सारे एडवर्टाइजर यहाँ पर सेट किया हुआ है, इसी के लिए मैं नहीं कर सकता, लेकिन आप लोग यहाँ पर रीसेट एडवर्टाइजर आईडी को सेट कर क्लिक करके रीसेट कर लेना। उसके बाद आपको अपना फ्लैट मोड को ऑन और ऑफ करना पड़ेगा, जो फ्लैट मोड है इसको ऑन ऑफ करना, उसके बाद फिर से रीसेट एडवर्टाइजर आईडी को 3 से 4 बार रीसेट कर देना, ठीक है। रीसेट करोगे उसके बाद आपको यहां से बैक आना है, बैक आने के बाद रीसेंट से सब कुछ हटा देना, उसके बाद फिर से एक बार फ्लैट मोड को ऑन करना, और उसके बाद फिर से एक बार फ्लैट मोड को ऑफ कर देना। ऑफ कर देने के बाद में आपका नेटवर्क वोटवर्क अच्छे तरीके से आने देना। आने के बाद में आप लोग भाई करना कुछ भी नहीं, आपको थोड़ा देर तक वेट करना, थोड़ा देर तक वेट करने के बाद में आप लोग यहाँ पर एप्लीकेशन को यूज करना, फिर से एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पर जाकर आप टास्क ऑफर को कंप्लीट करना है। जितना ज्यादा टास्क ऑफर कंप्लीट करोगे उतना ज्यादा आपका पॉइंट रिसीव होगा। तो टास्क कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे टास्क ऑफर मिलते हैं, जैसे कि इंस्टॉल एंड रजिस्टर, इंस्टॉल रजिस्टर, इंस्टॉल रजिस्टर गेम प्ले, ये वाला जो टास्क है इसमें बोल रहा है कि इंस्टॉल करके ओपन कीजिएगा ना, तो पॉइंट आपको मिलेंगे 250, बस इंस्टॉल करना है आपको और ओपन कर देना है, तो बस इंस्टॉल एंड ओपन वाला टास्क उसे कंप्लीट कर सकते हो। ये वाला भी बोल रहा है इंस्टॉल एंड ओपन, ये बोल रहा है इंस्टॉल और यूज करके बोल रहा है, आप देख सकते हो ओपन एंड रजिस्टर भी बोल रहा है इसमें, तो आपको इंस्टॉल एंड ओपन वाला जो ऑप्शन है ना उस पर क्लिक करोगे तो उसमें पॉइंट मिलेगा। बोल रहा है आपको एप्लीकेशन को रेट करोगे तो 100 पॉइंट आपको रेटिंग देने के बदले मिलेगा। तो चलो यहां पर मैं जाता हूं और रेटिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। रेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करने के बदले में आपको बोल रहा है आपको जाना है और आपको इस एप्लीकेशन को रेट करना, अगर मान के चलो यहां पर मैं रेटिंग दीजिएगा तो 100 पॉइंट आपको रिसीव होंगे। तो जाना है, कंप्लीट ना का ऑप्शन देखने मिल ही रहा है, इस पर क्लिक करना है, एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। आपको एप्लीकेशन कैसा लगा भाई, मुझे तो इतना मजा लगा कि मैं इस एप्लीकेशन से अभी तक ले 12,000 रुपए तक का मैं अर्निंग कर लिया हूं, 12,000 तक का मैं अर्निंग किया हूं इस एप्लीकेशन से, इस एप्लीकेशन को मतलब एप्लीकेशन तक का पैसा कमाया हूं, इस पे लिखते PAI ऐसे पैसा कमाया हूं, ऐसे करके लिख देता हूं कमाया हूं ऐसा करके, क्योंकि ये एप्लीकेशन बहुत ही मजेदार एप्लीकेशन है यार, मतलब बहुत ज्यादा मजेदार है और मैं सच में इसमें बहुत ज्यादा पैसा कमाया। पर देखो रेटिंग दिया, अब रेटिंग देने के बाद में बैक आना, बैक आने बाद में आपको ये टास्क जो रहेगा 100 करोड़ थोड़ा देर के बाद में आपको पॉइंट रिसीव हो जाएंगे इसके बदले में और आपका हिस्ट्री यहाँ पर वैलेट के अंदर में एड भी हो जाएगा। इस तरह से करके भाई बहुत सारे टास्क ऑफर है, तो मान के चलो किसी भी टास्क ऑफर को कंप्लीट करना तो इंस्टॉल करना होता है और ओपन करना, चलो यहाँ पर कंप्लीट ना ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और टास्क यहाँ पर इंस्टॉल करके ओपन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद इसे थोड़ा सा वेट करता हूं मैं, तो इसको इंस्टॉल करने के बाद में आपको डायरेक्टली यहाँ से बाहर आ जाना है। बाहर आने के बाद फिर थोड़ा देर तक आपको वेट करना, वेट करना जब तक आपका पॉइंट रिसीव ना हो जाए, आपको थोड़ा देर तक वेट करना। वेट करने के बाद आपको थोड़ा देर जैसे एप्लीकेशन को ओपन करोगे, आपका एप्लीकेशन को ओपन करते के साथ में आप लोगों को जो कॉइन रहेगा वो कॉइन आपका वॉलेट के अंदर में ऐड कर दिया जाएगा। और भाई ये 100% रियल एप्लीकेशन है, तो इसके पैसे ऐड होने की टेंशन नहीं लेना, आपका टास्क कंप्लीट करोगे टास्क का पूरा पैसा आपको मिलेगा। इसमें बहुत सारे टास्क ऑफर है, टास्क ऑफर को कंप्लीट करके ढेर सारा पॉइंट्स की अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पर बात करें भाई पे आउट का ऑप्शन का, तो पे आउट का ऑप्शन पे क्लिक करने के बदले में यहाँ पर पहले ये देखो कि मैं इस एप्लीकेशन से कहाँ से कितना कितना अर्निंग किया हूं, सब कुछ यहाँ पर देख लिए होंगे। उसके बाद अगर आप रिडीम लगाते हो तो भाई रिडीम आपको इंस्टेंट का इंस्टेंट मिल जाता है एप्लीकेशन के अंदर में, हो सके गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड या फिर पेटीएम का। जैसे मान के चलो यहाँ पर मैं गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड ही लेना चाहता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ 10 रुपए का गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड का ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। बोल रहा है कि दिस पे आउट इज वैलिड इन वर्ल्ड वाइड, ये जो पेमेंट है वर्ल्ड वाइड के लिए वैलिड है। वर्ल्ड वाइड मतलब है कहीं पर भी हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, जापान में हो, और भाई अमेरिका में हो, सिंगापुर में, जहां भी हो सब जगह पर ये पेमेंट मिलेगा। वर्ल्ड में आप कहीं पर भी हो, पृथ्वी में कहीं पर भी हो, तो आपको पैसे मिलेंगे भाई। आप चाहे श्रीलंका में ही क्यों ना हो, आपको पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। नेपाल में क्यों ना हो, नेपाल वाले यूजर को लिए भी यहां पर गूगल प्ले का गिफ्ट कार्ड आपको मिलता है। तो भाई जहां का यूजर हो सब जगह का आपको पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो बहुत सारे लोगों यहां पर ऑप्शन यहां पर था जो कि सॉल्व हो चुका है, तो यहां पर जाता हूं रिडीम ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। 30 सेकंड तक इसमें वेट करना, 30 सेकंड तक वेट करना पड़ता है। चलो मैं वेट कर लेता हूं। देखो यहां पर मेरा टाइमर खत्म होने वाला, टाइमर खत्म होते के साथ ये थोड़ा सा ना वेट करवाएगा। टाइमर खत्म होने के बाद में थोड़ा सा ऐड आ गया और ऐड को फिर कट करना पड़ता है। चलो मैं ऐड को कट कर लेता हूं। देखो यहां पर 3 सेकंड का ऐड आ गया, चलो मैं 3 सेकंड का ऐड को फटाफट से कट करता हूं। कट करने के बदले में देखना यहां पर फिर से एक कट का ऑप्शन आ गया, इसे भी कट कर दिया। बोल रहा है कि रिडीम सक्सेसफुल हो चुका है, पेमेंट समझे जो है ये 10 रुपए का गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड आपको रिसीव हो जाएगा। कंटिन्यू का ऑप्शन पर क्लिक करना है, एप्लीकेशन के अंदर में ही आप लोग आ जाएगा। आपको फिर पे आउट का ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहां पर आपको हिस्ट्री का ऑप्शन देखने मिलेगा। इसमें आपको बोल रहा है कि आप जो विड्रॉ किए हो 100 कॉइन वाला, ये आपका प्रोसेसिंग में है, तो थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा वेट, मात्र 1 मिनट तक का वेट करना होता है। उसके बाद आपको अपना जीमेल आईडी को चेक करना है, 1 मिनट के बाद अपना जीमेल आईडी को चेक करना। मेरे देखो यहाँ पर जीमेल आईडी में कोई भी गिफ्ट कार्ड नहीं आया हुआ है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा देर तक वेट करते रहो भाई, थोड़ा सा इस तरह से करके मैं रिफ्रेश भी करता रहूंगा ना, तो हो सके एप्लीकेशन की तरफ से मुझे गूगल प्ले का गिफ्ट कार्ड यहाँ पर से रिसीव हो जाएगा।
तो फाइनली यहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर बोल रहा है कि आपका जो विड्रॉवल था 100 कॉइन का, मतलब 1000 कॉइन का, 10 रुपए गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड, वो आपको सक्सेसफुली सेंड कर दिया गया है। मैं अपना जीमेल आईडी पर जाता हूँ, यहाँ पर इस पर रिफ्रेश करने बाद, यहाँ पर रिफ्रेश मैंने भाई इसका अंदर में देखो प्रमोशन का ऑप्शन है ना, इसी का अंदर में आया हुआ, यहाँ पर आया मेरे यहाँ पर गिफ्ट कार्ड, देख सकते इस जगह पर आया हुआ। इस तरह करके इसमें बहुत सारे मेरे मेल आते रहते, बहुत सारे मेल में भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छिपा हुआ रहता। तो यहाँ पर देखो भाई ये जो आया हुआ यहाँ पर आया, लेकिन इसको हमको मूव करना होता था, इसको मैं मूव कर देता हूँ, मूव टू कर देता हूँ, यहाँ पर सोशल में कर देता हूँ, क्योंकि सोशल में था भाई इसी के लिए। सोशल में भाई इसको ना प्राइमरी में करना पड़ेगा, क्योंकि ये सोशल में चला जाएगा तो उससे प्रॉब्लम है मुझे, ठीक है। यहाँ पर देखो सोशल में जाने बाद यहाँ पर आ जाता है, इसी के लिए इससे भी मुझे मूव करना पड़ेगा प्राइमरी में। जब तक प्राइमरी में नहीं जाएगा भाई, तब तक यहाँ पर मुझे बात बात प्रॉब्लम होता ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर प्राइमरी में आने के बाद में ये मेरा ईमेल यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर देखो गूगल प्ले का गिफ्ट कार्ड जो है, इस वाले लिंक पर क्लिक करके मैं गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड को कलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर जाता हूं और मेरा जो गूगल प्ले का गिफ्ट कार्ड है, और ऊपर से मैसेज भी आ रहा है भाई आपका जो विड्रॉवल है क्लिक करके आप लोग अपना विड्रॉवल सक्सेसफुल हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर बोल रहा है कि आपका जो 10 रुपए का वाउचर जिसे आप कलेक्ट करना चाहते हो, तो कलेक्ट वाउचर का ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस वाउचर को कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखो वाउचर जो मिला हुआ था, ये वाला वाउचर था, ये वाला वाउचर मैं क्या करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर देखो भाई इस तरह से करके, यहाँ पर इस तरह से करके किया, और यहाँ पर मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ। कोड को कॉपी किया, प्ले स्टोर पर जाकर के मैं फटाफट से रिडीम करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जो एप्लीकेशन में देता हूँ ना 101% रियल होता है, इंस्टेंट पेमेंट देने वाला एप्लीकेशन होता है, तभी जाकर आपको बताता हूँ भाई। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं नेपाल के लिए, तो नेपाल वाले यूजर के लिए भाई यहाँ पर आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दिया, ठीक है। आप यहाँ पर गौर से देख सकते हो, इस तरह से करके आपका यहाँ पर रिडीम मेरा हो चुका है 10 रुपए गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड इस एप्लीकेशन की मदद से। तो आप लोग भी ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हो, भाई एप्लीकेशन में ढेर सारा पैसा कमा सकते हो। तो चलिए आज के वीडियो को इतना ही पर रखते हैं, और भी इस तरह के नए एप्लीकेशन आप लोगों को ला करके देता रहूंगा, जिससे आप लोग ढेर सारा मात्रा में गूगल प्ले गिफ्ट कार्ड पेटीएम कैश की अर्निंग करता रहेंगे, ठीक है। अगर जिनके पास पेटीएम नहीं है तो यूपीआई कैश भी अर्निंग कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन में यूपीआई का ऑप्शन भी अवेलेबल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।